जैन बच्चों, इस बार आपका नया टॉपिक है कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को डेरिवेट करना। अब कूलम्स लॉ की हम बात करें तो कूलम्स लॉ कहता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो सब लोग मैग्नीट्यूड ऐसे तो मान लो बात कर लेंगे, मैग्नीट्यूड का यही होता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है कहां से, गॉस लॉ की हेल्प से। हमें गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। वी नो हम जानते क्या है, हम जानते हैं क्या पाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस, लाइन लिख रहा हूं इंटायर सरफेस एरिया, इक्वल टू क्यू अपॉन ऐसा। हमें यही दो देंगे, यही दो टर्म दे रहे हैं। पाई ई को हम कभी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन दो इक्वल को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है इस तरह, इसी तरह इस प्लस क्यू चार्ज से एक पी पॉइंट पर मुझे फोर्स फील्ड निकालनी थी। इसलिए मैंने क्या किया, इसको P पॉइंट को जो R डिस्टेंस पर है लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बना, क्या बना ली, गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलिए गॉसियन सरफेस बन गई, ये हमारी एक इमेजनरी गॉसियन सरफेस बन गई, ये हमारी क्या है, इमेजनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस पर मैंने ये आपका एक DS एरिया मान लिया और डीएस एरिया का एन वेक्टर ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर निकल रही। ठीक है, इसलिए समझा एक क्यू चार्ज है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, इससे आर दूरी पर एक पी पॉइंट था, यहाँ पे पी पॉइंट मैंने पहले लिख दिया था आपको, यहाँ पे एक पी पॉइंट है तो R दूरी पर एक P पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, पॉइंट। ठीक है ना, अपने पास एक P पॉइंट R। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें इन दोनों की हेल्प से क्या प्रूफ करना है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, चलिए इन दोनों तरफ को लेते हैं हम लोग, डॉट डी एस लाइन ऑफ इंटायर सर्फेस एरिया इक्वल टू क्यू अपॉन एस आर नो। ठीक है, बताया ऑलरेडी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं लिख देता हूं डिटेल में आपको। ठीक है ना, ठीक है, डी एस कितना है, डी एस उसका हो जाएगा, डी एस जब पूरे की बात करें इंटायर सर्फेस एरिया कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और एंगल कितना होगा, cos थीटा जो बड़ा आता है ऑलरेडी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एस आर। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू बात करें तो 0 डिग्री आ रही है, थीटा इक्वल टू 0 तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कॉस 0 इक्वल टू 1। अब देखिए कॉस 0 को बड़ा करते हैं कितना आएगा, e इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आगे देखते हैं, मैं इसी को ले लेता हूं, e इनटू 4 पाई तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे पीछे कर लिया हमने अपने हिसाब से आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं,
बोथ साइड, इसे कुछ नंबर में ए बना दिया, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय क्यू नॉट टेस्ट चार्ज का, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, तो यहां पर हो जाएगा ई क्यू नॉट इक्वल टू क्यू क्यू नॉट वन अपॉन फोर पाई आर नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब याद करो बच्चों एस इक्वल टू क्या होता है ई इंटू क्यू होता है, F equal to EQ होता है, यहाँ पे Q चार्ज और Q नॉट हो, यहाँ पे E equal to Q नॉट हो गया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने F से और F equal to कितना हो गया 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q Q नॉट upon R square, यही तो अपना कूलम्स लॉ है, चलते हैं कूलम्स लॉ है ये, तो हमने क्या किया हमने गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया, ठीक है दोबारा देख लेते हैं, हमें पता है इन दोनों टर्म को हमने लिया इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यू चार्ज से आउटवर्ड होगी और एरिया सरफेस, सरफेस जो आप देख रहे हैं इसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या है एन के एफ इसका एरिया वेक्टर, ध्यान रखना सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना कंपलसरी है, याद रखना बनाना जरूरी है, ठीक है। हमने इन दो टर्म को लिया सेम ई डॉट डी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन आर नॉट ई और डी एफ क्या है डी एफ पूरे की बात करें एरिया की, क्योंकि लाइन डेटा लिखा हुआ है जिसे लाइन डेटा लगा हुआ है तो पूरे का एरिया निकालना है और वो कितना होता है एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू फोर फाइव आर स्क्वायर और बेल आइकन दबा दिए तो बहुत सी बात है आपको नए वीडियो जल्दी मिल जाए करेंगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।